सो ये है रियलमी की तरफ से आने वाला रियलमी नार्जो 30 एंड अराउंड 20 दिन हो गए इस फोन को यूज़ करते करते। 1 जुलाई को अराउंड ये डिलीवर हो गया था। ये रहा इस फोन का बिल एंड तब से इसे मैं यूज़ कर रहा हूँ एंड इस वीडियो में उस 20 दिन में जो भी मैंने इस फोन के साथ एक्सपीरियंस किया है वो सब सिंपल वे में और एक ईजी वे में आपको समझाऊंगा कि भाई कैसा रहा वो एक्सपीरियंस, ताकि आप लोग अगर इसे 12,500 में एक बहुत अच्छी डील समझ रहे हो या खराब डील समझ रहे हो या कैसी डील है ये जानना चाहते हो, आप लोगों के लिए फोन बना है कि नहीं, ये सब इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो पहली बार इस चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को ऑल पे कर लो। फोन जो है इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, काफी क्लीन बनाया ये फोन, कोई भी आपको एड्स देखने को नहीं मिलती, कोई भी ब्लोटवेयर नहीं है कि ऐसा ऐप जो नहीं है यहाँ पे देखने को मिलता, कोई भी उल्टी सीधी यहाँ पे परमिशंस नहीं मांग रहे हैं फोन। एड्स जो आती हैं सिर्फ एक ब्राउजर से आती है, उसे अगर आप सिंपल ऑफ कर दोगे उसके बाद ही फोन बिल्कुल क्लीन देखने को मिलेगा। और इस सब का फायदा बहुत है, क्लीन फोन होने का, परमिशंस उल्टी सीधी नहीं मांगने का, और इधर उधर के कोई उल्टे सीधे ऐप्स यहाँ पे ऑलरेडी इंस्टॉल नहीं है फोन में, उन्हें आप अनइंस्टॉल भी कर दोगे, कुछ एक दो ऐप्स आते हैं सिंपली आप अनइंस्टॉल कर दोगे तो काफ़ी क्लीन ये फोन हो जाएगा। और इसका फायदा ये है कि अगर आप डे टू डे टास्क, मतलब जो दिनचर्या के जो टास्क होते हैं, कॉल करना किसी को, व्हाट्सएप, फेसबुक चलाना, इंस्टाग्राम चलाना, या आपको मेल करना किसी को, ये सब जो काफ़ी छोटे मोटे काम होते हैं ना वो काफ़ी आसानी से संभाल लेता है, और सॉफ्टवेयर क्लीन या उल्टी सीधी परमिशंस ना मांगने से जो प्राइवेसी का जो भी कंसर्न होता है काफी लोगों का, वो भी काफी अच्छा इस फोन में देखने को मिलता है। वैसे इसमें आपको फोन में 90 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी देखने को मिलती है, तो ये सब जो डे टू डे वाले टास्क करते हो ना आप, तो वो और ज्यादा स्मूथ हो जाते हैं। वैसे हाँ, इस प्राइस में आपको 12,500 में एमोलेड डिस्प्लेस भी मिल रही है रेडमी की तरफ से, इवन सैमसंग में भी कुछ फोन्स में आ रही है। यहाँ पे आपको LCD डिस्प्ले देखने को मिल रही है, और LCD डिस्प्ले में कोई बुराई नहीं है, यहाँ पे आपको अच्छी LCD डिस्प्ले देखने को मिलती है, व्यूइंग एंगल्स भी अच्छे हैं, और ये जो क्लिप मैंने डायरेक्ट सनलाइट में रिकॉर्ड किया है इसके ऊपर डिस्प्ले पे डायरेक्ट सनलाइट पड़ रही है, और आप देख सकते हो कि काफ़ी अच्छी तरीके से आसानी से विजिबल है। तो अगर आप बाहर जाके फोन यूज करते हो, कई बार दिक्कतें आती हैं आपको किसी फोन में, इस फोन में आपको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वैसे ये जो डिस्प्ले है वो Wide 1 L1 भी सपोर्ट करती है, तो अगर आप नेटफ्लिक्स, Amazon प्राइम, Hotstar पे बेस्ट क्वालिटी देखना चाहते हो किसी भी मूवी या उस चीज़ की, तो आप इस डिस्प्ले पे देख सकते हो। ये Wide 1 L1 होने की वजह से फुल HD सपोर्ट करता है, और ये जो फोन है इतना हैवी भी नहीं बना है। जिस दिन से मैं यूज़ कर रहा हूँ पॉकेट में, वैसे तो मैं बिना कवर के फोन यूज़ करता हूँ, और इसको भी बिना कवर के यूज़ कर रहा हूँ, एंड इतना हैवी फील नहीं होता। 5000 mAh बैटरी है, और रियलमी वालों ने अच्छा वेट मैनेजमेंट भी किया है और फोन को पतला रखने में भी कामयाब रहे हैं। इसका एक रीज़न भी हो सकता है कि वैसे तो ये फोन पूरा ही प्लास्टिक से बना हुआ है, कोई भी प्रीमियम मटेरियल या मेटल या ग्लास ऐसा कुछ भी यूज़ नहीं किया है इस फोन में, एंड इसकी वजह से भी हल्का है फोन। वैसे ये जो 5000 mAh बैटरी है उसे आपको चार्ज करने के लिए बॉक्स में 30W का चार्जर दिया है, एंड जैसे आप उस 30 वॉट से चार्ज करते हो तो 0 से 100 सिर्फ 1 घंटे में हो जाता है, जो बहुत ज्यादा फास्ट भी नहीं है और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, आपको अच्छी एक स्टेबल स्पीड देखने को मिलती है, कोई भी आपको दिक्कत वहां पे नहीं मिलती। लेकिन हल्की सी मुझे बैटरी लाइफ में दिक्कत देखने को मिली, जिस दिन मैं यूज कर रहा था हर बार मुझे 1 दिन के अंदर इसे चार्ज करना पड़ रहा था, इवन अगर मैं गेमिंग नहीं भी करूं तो भी आपको हल्का सा 1 दिन के अंदर आपको चार्ज करना पड़ेगा, रात को आपको लगाना ही पड़ेगा चार्ज, अगर आपको थोड़ा बहुत रात को भी चलाना होता है जैसे फोन, तो इसे चार्ज पर लगाना ही पड़ता था। तो ये डिस्प्ले वैसे तो मैं 90 Hz पे सेट करके यूज करता था, तो ये भी एक रीजन हो सकता है, आप 60 Hz पे अगर यूज करोगे डिस्प्ले तो थोड़ी सी बैटरी और चलेगी, लेकिन 90 Hz पे आपको रात में एक बार जरूर चार्ज पे लगाना पड़ रहा था। बैटरी लाइफ के अलावा यहाँ पे आपको एक सिंगल माइक देखने को मिलता है, कई फोन्स आपने देखे होंगे जिसमें नीचे भी माइक होता है ऊपर भी माइक होता है, एंड वो ऊपर वाला माइक क्या होता है, नॉइस कैंसिलेशन के लिए काम आता है। तो अगर आप कॉल करते हो बहुत ज्यादा नॉर्मल कॉल करोगे तो यहाँ पे कॉल क्वालिटी अच्छी है, आपको कोई भी इशू देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आप भीड़ भाड़ वाले इलाके में जहाँ जाते हो जहाँ पे बहुत ज्यादा शोर होता है आसपास, तो वो नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो भीड़ भाड़ में अगर आप जाओगे, मैं तो गया नहीं क्योंकि इस टाइम आपको पता है कैसा टाइम चल रहा है, बाहर निकलना ही अवॉइड कीजिए, एंड जैसे आप अगर भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हो तो थोड़ा सा नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक होता है तो वो अच्छी क्वालिटी देता है। जैसे आपने कुछ फोन्स देखे होंगे जिसमें 2 माइक होते हैं और सेम जगह पे कई लोग खड़े होते हैं जिनके आसपास की आवाज़ नहीं आ रही होती है, और कई लोगों का होता है उनकी आवाज़ कम आती है और आसपास की ज़्यादा आती है, तो ये नॉइस कैंसिलेशन वाला माइक बहुत ज़्यादा जरूरी होता है और ये मिसिंग है, थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग अच्छी नहीं की है और काफ़ी लोग जो हैं। तो इसमें आपको गूगल डायलर दिया गया है, एंड अगर आप कॉल रिकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा करते हो तो ये ऐसी बात नहीं है, जैसे ही आप इस पे कॉल रिकॉर्डिंग पे टैप करोगे अगले बंदे को भी पता चल जाएगा कि भाई कॉल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो एक चीज़ का ये भी ध्यान देना। वैसे ये फोन जो है 4G+ भी सपोर्ट करता है, तो आपको नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, नेटवर्क की स्पीड्स भी अच्छी आ रही है, आपको कोई सिम में अगर दिक्कत आती है कहीं किसी एरिया में जहाँ नेटवर्क कम रहते हैं तो 4G एग्रीगेशन ये सपोर्ट करता है और
आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हो। वैसे जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है वो आपको साइड में देखने को मिल रहा है इसमें, एंड वो भी काफ़ी फास्ट है, आसानी से आप इसे यूज़ कर सकते हो, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं आती। दिक्कत इसमें बस वो वाइब्रेशन मोटर में है, जो इसमें वाइब्रेशन मोटर यूज़ की गई है वो इतनी अच्छी नहीं है, वही ओल्ड वाली वाइब्रेशन मोटर यूज़ कर रहे हैं ये, एंड जब भी कुछ टैप करते हो तो बहुत अजीब सी आती है। तो हैप्टिक फीडबैक जो काफ़ी लोग यूज़ करते हैं ना वाइब्रेशन में कीबोर्ड से टाइप करते हैं, तो इतना अच्छा एक्सपीरियंस इसमें वाइब्रेशन मोटर का नहीं दिया है। एंड मेनली काफ़ी लोग इस फोन के जो प्रोसेसर की वजह से 12500 में मीडियाटेक का G95 प्रोसेसर जो मिल रहा है उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है इस फोन को जानने का, भाई कैसा है, क्यों ले लेना चाहिए क्या गेमिंग के लिए, ये सब चीज़ों के लिए। तो सबसे पहले सिंपल एक मैंने ऊपर अगर आई बटन में आप देख सकते हो तो यहाँ पे एक वीडियो आ जाएगी, वहाँ पे अगर आप देखना चाहते हो पूरी एक डिटेल में वीडियो है जिसमें हमने हीटिंग टेस्ट किया है, पूरा गेमिंग के FPS मीटर के साथ सब कुछ टेस्ट किया है, उसमें आपको बहुत डिटेल में एक आइडिया मिल जाएगा। बट सिंपल बताऊँ तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था सॉफ्टवेयर क्लीन है, ब्लोटवेयर फ्री है, वो यहाँ पर काम नहीं आता। डे टू डे टास्क बहुत स्मूथ है, कहीं पर भी कोई लैग नहीं, लेकिन BGMI के लिए अगर स्पेशल आप सोच रहे हो इस फोन को लेने का, PUBG BGMI जो एक ही जैसे गेम है, तो इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं है। यहाँ पे 4GB रैम है मेरे पास, एंड अगर आप देखोगे तो बहुत ज्यादा फ्रेम ड्रॉप है, जब भी बंदे आते हैं तो बहुत ज्यादा लैग टाइप ऑफ बिल्कुल स्क्रीन रुक जाती है। 4GB वाले में तो बहुत खराब एक्सपीरियंस है। अगर आप Realme Narzo 30 ले चुके हो और 6GB वाला यूज कर रहे हो तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना कि कैसा एक्सपीरियंस है, बट 4GB वाले की बहुत खराब परफॉर्मेंस है। गेमिंग के लिए अगर आप स्पेशली सोच रहे हो तो बिल्कुल भी इस फोन को कंसिडर मत करना, गेमिंग में स्पेशली BGMI में इतनी अच्छी आपको परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिलती इस फोन में। वैसे इस फोन के थर्मल्स ठीक है, 45-46 तक ही पहुंचते हैं अराउंड 4-5 घंटे अगर आप लगातार खेलते हो, तो कोई ओवरहीटिंग तो देखने को नहीं मिलती, लेकिन हाँ फोन गर्म हो जाता है। मीडियाटेक के चिपसेट मेनली गर्म हो जाते हैं, एंड ये भी आपको देखने को मिलता है कि गर्म हो जाता है, ओवरहीटिंग यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिल रही। सिंपल अब आखिरी बचा वो है कैमरा, तो मैं बताऊं भाई 3 कैमरे हैं पीछे, 2 को तो बिल्कुल भी कंसीडर मत करना, 2-2 मेगापिक्सल के हैं, और इन लोगों ने अल्ट्रा वाइड ऐड नहीं किया, ये मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, क्योंकि अल्ट्रा वाइड काफी लोग यूज करते हैं और मैं तो काफी ज्यादा यूज करता हूँ, अल्ट्रा वाइड को रिमूव ही कर दिया। आपको पीछे 48 मेगापिक्सल का सेंसर देखने को मिलता है जो अच्छा काम कर रहा है, लो लाइट में भी अच्छी फोटोज आ रही है, कुछ लो लाइट शॉट्स दिखाता हूँ आपको, अच्छी फोटोज निकाल रहे हैं, इवन डे टाइम में एक्सपोजर अच्छा है HDR के साथ, अगर हार्श कंडीशन में भी जाते हो आप तो एक्सपोजर अच्छा है। ह्यूमन सब्जेक्ट में भी आपको देखने को मिलता है कि अच्छी कंडीशन है, स्किन टोन भी अच्छी है, डायनेमिक रेंज भी आपको अच्छी देखने को मिलती है। पीछे वाला कैमरा अच्छा काम कर रहा है, प्राइस के हिसाब से तो डेफिनेटली जो मेन एक 48 मेगापिक्सल वाला है वो अच्छा काम कर रहा है। जो सामने आपको सेल्फी देखने को मिलती है उसमें थोड़ा सा दिक्कत है, जैसे अगर आप बहुत हार्श लाइट कंडीशन में जा रहे हो जहाँ पे पीछे बहुत ज़्यादा लाइटिंग है तो आप अगर फोटोज लेते हो तो पूरी फोटो ब्लोन आउट हो जाती है, पीछे वाली बिल्कुल डिटेल गायब हो जाती है। फ्रंट से आप सेल्फी वीडियोज बनाते हो तो आपको स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक देखने को मिलती है, स्किन टोन अच्छा है, डिटेल अच्छी है, लेकिन आपको हल्के से जैसे आप हार्श कंडीशन में जाते हो तो पूरा ही पीछे ब्लोन आउट हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा जरूरत है इसे फिक्स करने की। एक अपडेट ऑलरेडी इस फोन का आ चुका है, उसके बाद ही पूरा रिव्यू मैंने दोबारा से टेस्टिंग की थी, एंड अभी कैमरे के अंदर तो इम्प्रूवमेंट नहीं है। हाँ रियलमी 8 से काइंड ऑफ थोड़ा बहुत आसपास है, लो लाइट में अच्छी ये काम कर रहा है एज कम्पेयर टू रियलमी 8। तो यही कहूँगा कि फ़ोन डिसेंट है, डे टू डे टास्क के लिए अच्छा है, G95 होने के बावजूद भी गेमिंग के लिए बिल्कुल नहीं है, BGMI के लिए तो बिल्कुल स्पेशल नहीं है। हल्का सा जो छोटी छोटी चीज़ें हैं जैसे बैटरी लाइफ जो है इतनी अच्छी नहीं चल रही है, चार्जिंग अच्छी है आपको यहाँ पर मिलती, सिंगल माइक जो है वो आपको देखने को मिलता है, ड्यूल माइक होता तो ज़्यादा अच्छा होता, सिंगल ही स्पीकर देखने को मिलता है, उसकी क्वालिटी डिसेंट है स्पीकर की, सच बताऊँ लाउड तो काफ़ी हो जाता है, लेकिन हाँ इस प्राइस में आपको स्टीरियो स्पीकर्स मतलब ड्यूल स्पीकर्स भी देखने को मिलते हैं। तो हल्की हल्की कुछ कॉस्ट कटिंग है, फ़ोन डिसेंट है, G95 के लिए स्पेशल मत लेना कि बहुत कमाल का है, अल्ट्रा वाइड कैमरा गायब है इस फोन में से, यही बता सकता हूँ। लाइट वेट है, सिंपल यूज करने के लिए लेना है तो ले सकते हो 12,300 रुपए में या 12,500 रुपए में, बट बहुत स्पेशल फोन नहीं है कि हाँ भाई गेमिंग के लिए कंसीडर करना है तो बिल्कुल भी मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि भाई गेमिंग के लिए ले लो। कैमरे के लिए कंसीडर करना है ये भी मैं नहीं कहूँगा, रेडमी नोट 10 का कैमरा इससे मैं कहूँगा काफ़ी अच्छा है, उसे कंसीडर करो अगर कैमरे के लिए भी आप देख रहे हो। डिस्प्ले की कंसीडर कर रहे हैं तो AMOLED डिस्प्ले इस फोन मतलब प्राइस में मिल रही हैं, वहाँ पे आप उन्हें कंसीडर कर सकते हो। तो ये फ़ोन कुछ ऐसा स्पेशल नहीं कि किसी मैं एक बंदे को रिकमेंड कर दूँ कि भाई यहाँ आपके लिए बनाए फ़ोन, तो सिंपल एक क्लीन जो मैंने एक्सपीरियंस जो मुझे रहा 20 दिन में वो मैंने आपको बिल्कुल एक्सप्लेन कर लिया है, अब आप डिसाइड कर सकते हो ये फोन आप लोगों के लिए बना है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई, 1% भी पसंद आई है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लेना, क्योंकि ऐसी अमेजिंग और ऑनेस्ट रिव्यूज वाली वीडियोस मैं इस चैनल पे बनाता रहता हूँ, ताकि आप लोगों का जो पैसा जो आप हार्ड मनी अर्न करते हो वो आपका भाई खराब ना जाए। आई होप सबको वीडियो पसंद आई है, मिलते हैं आपसे वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑफ फॉर ऑल।